साथियों, अब एक चीज और है, किसानों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। किसानों की जो स्थिति है, पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था जो किसानों के साथ जो की है, आपको लग रहा है कि कोई सब्सिडी बची है? आपको समझ में आ रहा है कि किसानों की लागत क्यों बढ़ी है? किसानों की फसल जब आती है तो चाहे न्यूनतम समर्थन, अभी मैं उदाहरण बोल रहा हूं आपके सामने, 1700 कुछ रुपए समर्थन मूल्य है, मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं आज की, और कुछ 150-200 रुपए जो भी है, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो बोनस दे रहे हैं, ऐसा जोड़ लो तो लगभग 2000 से ऊपर हो जाएगा गेहूं, एक एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। मगर गेहूं आज किसान जो ट्राली में भर के लाता है 1400 रुपए 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है बाजार में, और ये कौन खरीद रहा है? ये वही बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की कंपनियां खरीद रही हैं, जो बाद में इसी गेहूं को से प्रोडक्ट बना करके 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए किलो सामान बेचती हैं। वही धान में होता है, वही गेहूं में होता है, जब फसल आती है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि चाहे वो कैसा भी गेहूं हो, उससे कम नहीं बिकेगा। क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। तो पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था किसान की जो फसल है पूंजीपतियों को लुटवाने के लिए किसानों को प्रेजेंट करती है, इसलिए पूंजीवादी राज सत्ता बोनस दे देंगे, भाव अंतर दे देंगे, फालतू की बकवास करेंगे, उससे नतीजा सिफर निकलता है। असल में अगर सरकार एक कहे कि अगर हमने 2000 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य तय कर दिया किसान का, 2000 से नीचे कोई खरीदेगा नहीं, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली चाहे कोई कंपनी खरीदे, चाहे कोई आड़ती खरीदे, चाहे दुनिया का कोई भी खरीदे, 2000 से नीचे नहीं बिकेगा। क्या ये सिस्टम है? नहीं है। तो ये सिस्टम कौन बनाएगा, कौन लड़ेगा इसके लिए? अपने आप हो जाएगा? बीजेपी कांग्रेस बनाने वाले, भूल जाओ, कभी नहीं होगा साथियों। इसलिए हमको समझना है, इसके लिए हमको लड़ना है, हमको ये भी राजनीतिक रूप से समझना है, नीतिगत रूप से समझना है कि भाजपा कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, और भाजपा कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों का सारे संसाधन पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए दे दिए हैं, सबको ला दिए हैं दोनों मिलके, इसीलिए बड़े बड़े पूंजीपति किसानों को लूट रहे हैं। इसको रोकना है तो किसानों को लड़ना पड़ेगा, पूंजीवादी व्यवस्था को पलटना पड़ेगा। यदि समाजवादी व्यवस्था आएगी, ये नीति पलट जाएगी। समाजवादी व्यवस्था में किसान का समर्थन मूल्य यदि 2000 तय हो गया तो उसमें से 1 रुपए कम में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था सिर्फ पूंजीपतियों को मुनाफे कमाने के लिए काम नहीं करती है, समाजवादी व्यवस्था जनता के लिए काम करती है और देश के लिए काम करती है। इस बात को साथियों समझना, पूंजीवादी व्यवस्था ने किसानी की कमर तोड़ दी है, पूंजीवादी व्यवस्था ने किसानों की उन सारी नीतियों की कमर तोड़ दी है, पूंजीवादी व्यवस्था ने किसानों की फसलों की लागत बढ़ा दी है, किसानों की जो सब्सिडी थी जो उनको सहयोग सरकार देती थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था ने वो हटा दिया है। मैंने बताया था ना आपको, टैरिफ हटवाए, सब्सिडी हटवाई है, भूमंडलीकरण का हिस्सा था। ये नीति नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह जी की नहीं है, ये नीति अमेरिका की है जिसको भारत की सरकार ने लागू किया। इसलिए समझ जाओ, इस पूंजीवादी व्यवस्था में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते, मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं, जो अमेरिका में दुनिया के पूंजीपति जो नीति बनाएंगे और जो कहेंगे इसको लागू करो, वही नीति भाजपा कांग्रेस को लागू करना पड़ेगी। ये है साथियों असल सवाल किसानों के बारे में। तो मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा इस बात को, इस राजनीति को, पॉलिटिक्स को, जो भी हमारे किसान साथी हैं जिनका किसान किसानी की तरफ से बैकग्राउंड है, वो समझ जाएं कि यदि कोई बदलाव करना है तो हमको इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बाकी नीतियों को बदलने के लिए भी लड़ना पड़ेगा,
भाजपा कांग्रेस नीतियां पलट नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। पूंजीपतियों ने इनको फंसा दिया है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों ने इनको फंसा दिया है। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आज पूंजीपतियों के खिलाफ ये बात कर सकते हैं, पूंजीपतियों को लूटने के लिए रोक सकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं बची है किसानों। इसलिए किसान भाइयों, इस बात को समझ जाओ और अच्छी तरीके से सारे डिस्कशन करो और इस पूरे संघर्ष को आगे बढ़ाने में सामने आओ, इस राजनीति को समझो। साथियों, किसान भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है, दवाइयों का पूरी तरीके से निजीकरण हो गया। बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दवाई के मार्केट में, आप देखोगे हर रोग की दवा राहत की दवा है, परमानेंट खत्म करने की दवा नहीं है। हर रोग की, अगर आपको अस्थमा है तो आप रोजाना टैबलेट खाइए, जिंदगी भर टैबलेट खाइए, आपको रिलीफ मिलेगा, मगर टैबलेट तो खाना पड़ेगी। अब वो कंपनी ने क्यों वो टैबलेट बनाई है, वैसी उन्होंने इसलिए ऐसी टैबलेट बनाई है कि जिंदगी भर आप टैबलेट खाएंगे और उनकी कंपनी चलेगी, उनका मुनाफा चलेगा। ब्लड प्रेशर की टैबलेट खानी है, शुगर की टैबलेट खानी है, हर बीमारी, आप इतनी सारी बीमारी देख लेना, हर बीमारी का रिलैक्सेशन का दवाई है, मगर वो दवा, वो रोग परमानेंट खत्म हो जाएगा ऐसा कोई सर्च भी नहीं कर रहा, रिसर्च भी नहीं कर रहा उसके ऊपर। ऐसी कोई दवाई बना भी नहीं रहा है, ना कोई बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई, उसको तो मुनाफा कमाना है, उसको तो लगता है कि ये बीमारी जितनी ज्यादा से ज्यादा और बढ़े उतनी ज्यादा उसकी दवाई बिकेगी, उतनी ज्यादा उसका मुनाफा बढ़ेगा। तो ये जो है, जो सरकार करती थी, अभी सरकारी टीके लगाती थी, सरकार ने पोलियो के लिए इतने सारे अभियान चलाए, बहुत सारी जो सोशल सरकार ने टीबी के लिए एक दवाई रिसर्च करके निकाली, इस तरीके की जो दवाइयां अब लगभग बंद हो गई। दवाई महंगी मिलेंगी, आपको लेना पड़ेगा, घर बेचो, मकान बेचो, परिवार को बेचो, संपत्ति बेचो, इलाज कराना, जिंदा नहीं तो मर जाओ। दवाइयों का जो सेक्टर है वो सबसे बड़ा उदाहरण है, पूंजीवादी व्यवस्था का नंगा घिनौना अमानवीय रूप है वो, सरकार उसमें नहीं घुस रही, पूंजीपति सरकार को घुसने भी नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों को पता है कि सारी दवाइयों का रिसर्च सरकार कराए कि इनका परमानेंट इलाज निकालो, और परमानेंट इलाज निकल गया तो इनकी जो है कारखाने वो बंद हो जाएंगे, इनको कारखाने चलाने, इनको मुनाफा कमाना है। इसलिए कहते हैं समाजवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इस सरकार को अपने कंट्रोल में रखना है, इसका सारा रिसर्च, इसका सारा कुछ सरकार को खुद कराना है, पूंजीपतियों को नहीं देना है, मुनाफे के लिए नहीं देना है, इस बात को हमारी सरकार को ध्यान रखना है। मगर पूंजीवादी व्यवस्था में इस बात के लिए सरकार ध्यान नहीं देती, सरकार उसको नहीं कर सकती है, पूंजीपति सरकार को नहीं करने देते हैं, इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे अमानवीय घिनौना रूप है जो हमारे आज समाज के सामने है। साथ एक चीज और है जो मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूं, पूंजीपति जो है वही काम करता है जिसमें उसका मुनाफा हो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, जनता का विकास होगा, किसका विकास होगा, इससे उसको कोई लेना देना नहीं, उसको लेना देना इस बात से किस बात में मेरे को ज्यादा मुनाफा पैदा होगा। जिस चीज में ज्यादा मुनाफा पैदा होगा वही काम पूंजीपति करेगा, उसी चीज का फैक्ट्री लगाएगा, उसी चीज का उत्पादन करेगा, उसी चीज को बेचेगा, चाहे उससे समाज बर्बाद हो जाए, चाहे उससे समाज बिगड़ जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। नशा सबसे बड़ा उदाहरण, शराब, ड्रग्स, इतनी सारी नशा की चीजें हैं जो फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है और जनता को सरकारें बेच रही हैं, जिसमें बहुत बड़ा टैक्स ले रही हैं। शराब पे सबसे बड़ा टैक्स सरकारों के पास होता है, इसलिए शराब को बंद नहीं कर रहे हो। बहुत चीजें हैं इस तरीके से, सरकार पूंजीपति, पूंजीवादी राजसत्ता देश को पूंजीपतियों के मुनाफे के आधार पर चलाती है, ना कि पूंजी देश के आर्थिक और विकास के हिसाब से और जनता के विकास के हिसाब से नीतियां बनाते हैं। ये बहुत ही गलत पूंजीवादी व्यवस्था का जो परिणाम है, जिसको हमारे साथियों को समझना है।
साथी एक सवाल और है अंत में, विरोधियों को खत्म कर देती है पूंजीवादी सत्ता, पूरा दम लगाती है कि विरोधी कैसे भी खत्म हो। आप देखेंगे आज के समय में, मैं फिर वही बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी, इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। कैसे भी देश में पूरे विरोध को, पूरे विपक्ष को किस तरीके से खत्म करना है, आवाज को दबाना है, सत्ता के खिलाफ कोई बोलना नहीं है, पूंजीपतियों के मुनाफे के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना है, कोई बोलना नहीं है, सबको खत्म कर देना है। जो इसकी पोल खोलेगा उसको दमन करना है, शोषण करना है, लाठियां चलानी है, गोलियां चलवानी है, मरवाना है उसको। ये पूंजीवादी राज सत्ता का बहुत बड़ा और गलत चरित्र है। असल चरित्र है वो करते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बात को साथियों समझना है जनता को, क्योंकि जो भी विरोध करने वाली ताकतें हैं उसका संरक्षण करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको सहयोग करना है, जो ये आवाज उठा रहे हैं, ऐसी ताकतों के साथ खड़ा होना है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीपतियों का देश पे कब्जा करा रहे और पूंजीपति देश को लूट के ले जा रहे, तो गठजोड़ है दोनों का बहुत ही बढ़िया। इसलिए इस साजिश को समझ के इसको रोकने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको मिलना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा, राजनीतिक विकल्प तैयार करना पड़ेगा और इन लुटेरों को, इस पूंजीवादी व्यवस्था को पलटना पड़ेगा। साथ बहुत बड़ा संघर्ष होगा, ये आसानी से नहीं होगा, धर्म के नाम पे होगा। जैसे आप बोलोगे वैज्ञानिक विचारधारा आनी चाहिए, तो अच्छा या धर्मी आ गया साला, ये धर्म के लोग, जो धर्म के लोग हैं उन्हीं को बोले इसको मारो, ये धर्म के विरोध में बोल रहा है, उन्हीं से मरवा देंगे। तब की असल बात क्या है कि उनको पता है कि धार्मिक या अंधविश्वास अगर जनता समझ गई तो इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर देगी। इसके पीछे पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको अच्छी तरीके से समझते जाओ। इसलिए दुनिया का इतिहास है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने रूस जैसे बड़े राष्ट्र को विखंडित करवा दिया, पूरे दुनिया के पूंजीपतियों ने मिलकर करवाया, तो बहुत बड़ा लड़ाई है साथियों। मैं इस पर अलग से आपको बताऊंगा, मेरे सारे वीडियो आप सुनते रहना, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आएंगी कि किस तरीके से क्रैश करते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलत और घटिया काम है जो राजनीतिक पूंजीवादी राजनीतिक सत्ता करती है साथियों। पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था अपनी सोच की, जो दिमागी रूप से गुलाम करते हैं, उस सोच को धर्म के नाम से बच्चों के अंदर बिल्कुल बचपन से पैदा करते हैं। आप देखें कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से घर के अंदर वो सारी सिस्टम होते हैं जिसमें बच्चों को माँ बाप पकड़ के ले जाते हैं। माँ बाप उनको वो विचारधारा समझाते हैं, भगवान का नाम समझाते हैं, बाकी चीजें समझाते हैं, उनको समझाते सब कुछ यही करने वाले हैं। तो बच्चे कई बार छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि सबको यही करने वाले हैं, तो ये मम्मी पापा काय को ड्यूटी जा रहे हैं, मगर वो अपने मन में ही रखते हैं। तो इस तरीके से समझना है कि हमारे दिमाग में जहर दिमागी रूप से हमको, क्योंकि बच्चों का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, बचपन में हमारे दिमाग में जो सिस्टम शिष्टाचार या जो भी दिमागी गुलामी की चीजें घुसाई जाएंगी, अंधविश्वास घुसाए जाएंगे, वो हमारी पूरी जिंदगी नहीं निकलते। समझो कितने तंत्र हैं पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था, धर्म के नाम पे, संस्कार के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच कितने सारे इतने सिस्टम हैं जिनको ये बचपन से घुसाते हैं, हमारे खून में डालते हैं। इसलिए आप देखेंगे लोग शान के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं लोगों को। हमारे वो जहर, वो नफरत दिमाग में भरी जाती है। आप ऐसे समझें, ये दुनिया का कैसा खेल है, आप मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। दुनिया का जो इंसान है वो एक मेमोरी कार्ड की तरह, खाली मेमोरी कार्ड की तरह है। उसके दिमाग में राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने फायदे के विचार डालती हैं। पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था पैदा होते ही शुरू से लेके मरने तक का सारा इंतजाम का व्यवस्था उसने बनवाया हुआ, वही विचार वो डालते हैं
जैसे हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हमें हिंदू संस्कारों के आधार पर सारा कुछ करना पड़ेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो पहले से बना हुआ है। तो ये जो है पूरी जो जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर पहले से उन्होंने वो सब सेट कर दिया, और कुछ चीजें परमानेंट सेट कर देते हैं जिसको आदमी बदल नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं, डर लगता उसको। कभी वो तार के जो भगवान के बारे में सवाल करते हैं, अगर वो सवाल नहीं कर पाता डर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से मेमोरी में डला हुआ है। तो साथियों ये खाली दिमाग जो 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 दिमाग है वो खाली मेमोरी कार्ड की तरह है, उसमें सारी चीजें सेट करते हैं। उसी तरह से समाजवादी व्यवस्था के लोग जो वैज्ञानिक चेतना को लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, समझो जो मैंने आपको दर्शन समझाया था, दर्शन से लेकर सारे वीडियो एक बार फिर से सुनो साथियों, मेरा निवेदन है आपसे कि जो दर्शन समझाया था वो आप समझ लोगे तो नीचे तक का सब चीज समझ जाओगे। तो वो दिमाग के मेमोरी कार्ड में समाजवादी व्यवस्था अपने विचार डालती है। अब संघर्ष कैसे होता है, कितना इंटरेस्टिंग विषय है समझो इसको। पूंजीवादी व्यवस्था उस आदमी के दिमाग की मेमोरी में अपने विचार डालती है, और समाजवादी व्यवस्था उस आदमी के दिमाग में अपने विचार डालती है। तो उसके दिमाग में जो विचार हैं, क्योंकि समझ है कि मेमोरी कार्ड के अंदर जो सेव है वही तो बजेगा। अगर पूंजीवादी व्यवस्था के विचार पहले से सेट हैं तो वो निकलेंगे कैसे, अपने आप नहीं निकलेंगे, वो उसको निकालना पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं, हमारे जैसे लोग आपको समझा रहे हैं यही विचार। बहुत समाज में बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो विचार की चेतना को बढ़ाते हैं। जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो उस चेतना के आधार पर वो सोचने की शक्ति बढ़ती है, फिर सवाल करता है तो उसको फिर कुछ समझ में आने लगता है। तो ये है असल समझ, आदमी कुछ नहीं है, एक इंसान है जिसको दिमाग को कंट्रोल करने के लिए पीछे ताक से ताकतें काम कर रही हैं, दो ताकतें काम कर रही हैं, एक पूंजीवादी ताकतें काम कर रही हैं, दूसरी समाजवादी ताकतें काम कर रही हैं, यही दो वर्ग हैं। इसलिए हमको स्वतः समझना है कि हम किस वर्ग में हैं। क्या हम पूंजीपति वर्ग में हैं, हम पूंजीपति हैं तो हमको पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जाना चाहिए, वहीं उसका फायदा होगा। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया ये कभी वामपंथी व्यवस्था में नहीं आएंगे, ना उनको आना चाहिए। इसी प्रकार से जो आम मेहनतकश वर्ग है, जनता है, समाज है, किसान है, मजदूर है, बाकी जो चीजें हैं उनको समाजवादी व्यवस्था की तरफ आना चाहिए, समाजवादी विचार के साथ खड़ा होना चाहिए। यह है राजनीतिक समझ। अगर यही करने का प्रयास है, अगर ये हो जाएगा तो ये शोषण खत्म हो जाएगा, ये सत्ता खत्म हो जाएगी, ये सोच खत्म हो जाएगी। ये तरफ बहुत बड़ा सवाल है साथियों, ये सोच को मारना, सोच को बदलना, सोच को परिवर्तित करना बहुत बड़ा सवाल है। उस बड़े सवाल को करे बिना हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे। सदियों से फंसा के रखा हमको, हमारे पुर के मर गए घसट घसट के। आज हम मरने वाले, और अगर हमारा ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये समाजवादी विचार, ये वैज्ञानिक चेतना आगे नहीं बढ़ा, तो हम जैसे मरेंगे वैसी हमारे बच्चे मरेंगे, बच्चों की और ज्यादा दुर्दशा होगी, ये पक्का है। हमारा जितना शोषण हुआ उससे ज्यादा शोषण हमारे बच्चों का होने वाला, बच्चों का जिंदगी कठिन तरीके से चलने वाला। तो ये साथियों विचारधारा का सवाल है, पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था का सवाल है, जो मैंने अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से इसके नकारात्मक परिणामों को समझाया। अंत में साथियों जो सकारात्मक परिणाम है पूंजीवादी व्यवस्था के, मैं ये समझता हूं जितना मैंने विश्लेषण किया है, पूंजीवादी व्यवस्था के जो सकारात्मक परिणाम केवल पूंजीपतियों के लिए, आम जनता के लिए तो नहीं है। आम जनता को इस्तेमाल करते हैं मगर आम जनता को एहसास करा देते हैं कि आपको हमने बहुत कुछ दे दिया। जैसे मध्यम वर्गीय समाज है, मध्यम वर्गीय समाज है पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था में एक निकलता है, क्योंकि हमारे समाजवादी व्यवस्था नहीं थी इसलिए एक मध्यम वर्गीय समाज निकला।
मध्यम वर्गीय समाज सोचता है, वर्गीय सोचता है कि हम पूंजीवादी व्यवस्था ने हमें पैदा किया। नहीं साथियों, मध्यम वर्गीय समाज जो मजदूर वर्ग लड़ा, मजदूर वर्ग ने अपने अधिकार को लिया, उस अधिकारों से जो कानून बने, उस कानूनों से जो फायदा हुआ है, उसने मध्यम वर्ग पैदा किया। पूंजीपति वर्ग ने मध्यम वर्ग पैदा नहीं किया। पूंजीपति वर्ग कभी भी मजदूरों को परमानेंट नहीं करना चाह रहा था। दुनिया में शोषण की कहानी आपने पढ़ी है, मई दिवस पे हम बताते हैं, मजदूर ने लड़के बदल के रास्ता बदलवाया, मजबूरी में पूंजीपति वर्ग ने ये कानून बनाए, संसाधन दिए, उनको सुविधाएं दी, ये लोकतंत्र आया, ये पूरी व्यवस्था बदली। तो ये जो है संघर्ष के बाद हुआ है। इसलिए हमको ये समझना है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर मेहनत कश वर्ग के लिए कोई भी बात सकारात्मक नहीं है, मजबूरी में करते हैं, वो दबाव में, उनको लगने लगता है हम बर्बाद होने वाले तो कुछ कर देंगे। अभी अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई जैसे मैं आपको धारण के तौर पे बोल रहा हूं, अगर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमको 50,000 रुपये महीना वेतन चाहिए, न्यूनतम वेतन, और पूरी देश की जनता इसके साथ खड़ी हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारे जो है ये सत्ता पड़ जाएगी, तो आज 50,000 रुपये महीना न्यूनतम वेतन ये सत्ता घोषित कर देगी। ये है पूंजीवादी व्यवस्था के जो काम करने का तरीका। खुशी से नहीं करते, प्रेशर में करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उनकी सत्ता उखड़ ना जाए। सत्ता को उखड़ने से बचाने के लिए, मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए, वो मांगे जो मजदूर वर्ग मांगता है उसको वो कर लेते, उसको कर देते हैं, और उसको करने के बाद फिर उस आंदोलन को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्योंकि कोई थोड़ी सी राहत मिल गई तो मेहनत कर बस सोचता, चलो यार कुछ तो मिल गया, लड़ना बंद कर देते हैं। फिर वही प्रक्रिया चलती है, धीरे 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 शोषण बढ़ते 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 वो फिर पूरा खत्म कर देते हैं। जब तक धर्म में, जाति में फर्क इसमें फंसा के रखते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, मजदूर नंगा हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो फिर लड़ता है, फिर कुछ देते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था का विकास का प्रक्रिया है जिसको हमको समझना है। इसलिए हमको स्थायी समाधान की तरफ जाना है तो हमको परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाना है। हमको राजसत्ता का वर्गीय चरित्र बदलना है। ये साथियों इस आज का टॉपिक है। मेरा उम्मीद है कि जो मैंने समझाया इसको आप लोग समझेंगे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी समझ को सारे नौजवानों तक पहुंचाएं। आपसे मेरा विनम्र अपील है, क्योंकि मैं सब तक नहीं पहुंचा सकता, आप इसको में सहयोग करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाखों करोड़ों लोग इस चैनल के साथ जुड़ें, और हम सब मिल करके इस पूरी एक विचारधारा को, पूरी समझ को, जिसमें जनता का असल महत्व होना है, इसको जनता के बीच में फैलाएंगे, एक शक्ति बनाएंगे, एक ताकत बनाएंगे, और उससे जनता का परमानेंट समाधान होगा, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होगा साथियों। तो आप इसमें सहयोग करें और इस पूरे मूवमेंट्स में सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप इस तरीके से हमें सहयोग करें साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।